अरविंद चलो कैसे हो, चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। बच्चों आज लाई हूँ एक ऐसा DIY जो कि बिल्कुल जीरो कॉस्ट में बनने वाला है। आप 100% बनाएंगे और अभी बनाना शुरू कर देंगे। बहुत अमेजिंग ये शैम्पू है। आपको लगेगा ये रीठे से बनाया होगा, आंवले से बनाया होगा, कौन करेगा इतनी मेहनत। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिना मेहनत के शैम्पू बनकर तैयार हुआ है। हेल्दी इतना है आपके बालों को हमेशा के लिए सॉफ्ट रखेगा। और हाँ, आप अक्सर मुझे छोटे बच्चों के लिए पूछते रहते हो, ये तो आप छोटे बच्चों को भी लगाना शुरू कर देंगे ना, कभी नौबत ही नहीं आएगी बालों की किसी प्रॉब्लम को लेकर। ना बाल कभी सफ़ेद होंगे, ना बाल कभी रूखे सूखे होंगे, ना बेजान होंगे। हम लोग इतने बड़े हो गए, कभी इतने DIY यूज़ ही नहीं किए थे। आप तो अभी से ही शुरू कर दीजिए बच्चों के लिए, बहुत अमेजिंग है। चलिए शुरू करते इसे बनाना। तो सबसे पहले हम लेते हैं चावल। कितने चावल चाहिए? बस एक चम्मच। इसे चाहें तो कच्चा अभी धो के यूज़ कर लीजिए या थोड़ी देर पहले भिगा दीजिए। जब भी बच्चों का या अपना किसी का भी हेड वॉश करना हो तब आप थोड़ा सा ये ले लीजिए चावल। चावल आपके बालों के लिए रामबाण है, ये मैं एक बार नहीं कईयों बार आपको बता चुकी हूँ। दूसरा इंग्रेडिएंट हमें चाहिए एलोवेरा। एलोवेरा के बारे में आप सभी जानते हो, मुझे जेल नहीं चाहिए, जो हमारे पौधे में अक्सर लगा हुआ होता है ना एलोवेरा, बस एक पत्ती ले आइए, काफ़ी है। अब तीसरी चीज़ हमें चाहिए मैंग्रोली सीड्स, जिसे कलौंजी सीड्स भी कहते हैं, जिसे अनियन सीड्स भी कहते हैं। बस ये तीन चीज़ें ले लीजिए, चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने रखा है एक ग्लास पानी गैस पर, बस इसमें भीगा हुआ चावल और मैंग्रोली सीड्स डाल देंगे। इसमें साथ में एलोवेरा भी इसी के साथ ही पकाएंगे। जब हम इसे पकाएंगे ना तो स्लो गैस कर दीजिए, 10-12 मिनट के लिए स्लो गैस पर पकने दीजिए। मुझे एलोवेरा थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने एलोवेरा की एक पत्ती और ली, जिसे धोकर मैंने ऐसे ही छिलके समेत ही बारीक बारीक करके डाल दिया है। चावल का माड़ व एलोवेरा का झाग मिलकर बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपके बालों को। अभी से ही देखिए कितनी झाग आ रही है, अभी तो मैंने कोई शैम्पू रीठा कुछ नहीं डाला है। ये जब 10-12 मिनट तक पक जाए, आपको लगे कि चावल भी सॉफ्ट हो गए हैं और एलोवेरा भी ऑलमोस्ट पक गई है, तब आप गैस बंद करें और इसे ठंडा करें। और हाँ बच्चों, जब तक ये ठंडा हो जाए तब तक आप क्या करेंगे, चैनल पर नए आए तो फटाफट से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, पास लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं आपके साथ जुड़ी रहूं और मेरी रेसिपी जो भी DIY मैं बनाती हूँ आप तक फटाफट से पहुंच जाए। ठंडा हो चुका है, अब हम इसे बारीक कपड़े में छान लें। छानने के बाद, वैसे तो इसमें काफी सारी झाग है, आपको जरूरत नहीं लगेगी, पर इन केस अगर आपको जरूरत है, नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, हमने ऑलरेडी ऑयल लगा रखा है बालों में तो ऐसे कैसे निकलेगा ऑयल, आप कोई बात नहीं, इसी शैम्पू में आप क्या करेंगे, थोड़ा सा माइल्ड सा शैम्पू डालिए। अब आपको लगेगा माइल्ड कौन सा, मतलब जो बच्चों को यूज़ करते हैं ना, बस वो शैम्पू थोड़ा सा डाल दीजिए, हो गया काम आपका आसान। जब भी आपको हेड वॉश करना है बढ़िया सा शैम्पू बनाइए, हेड वॉश कीजिए, प्रॉब्लम आएगी नहीं, जो प्रॉब्लम है वो तो छू मंतर हो जाएंगे। अब बारी आती है, अगर आपने ज्यादा बना लिया है इस मिश्रण को, तब आप क्या करेंगे, इसको ना आधे मिश्रण में शैम्पू डालकर आप यूज कीजिए, बाकी का बचाव फ्रिज में रख दीजिए। जब 3-4 दिन बाद आप हेड वॉश करें तो हल्का सा इसको गुनगुना कर दीजिए, चाहे तो थोड़ा पानी डाल सकते हैं क्योंकि ये गाढ़ा हो जाएगा, फिर आप इसमें शैम्पू डालकर यूज कीजिए। बहुत आसान है, मतलब आप बच्चों के लिए इतना तो कर ही सकते हो, अपने लिए भी कीजिए, मैं तो यही चाहूंगी। और मैंने खुद इसी शैम्पू से हेड वॉश किया है, मुझे अपने बालों का रिजल्ट इतना अच्छा मिल रहा है, और 2-3 बार मैं ऑलरेडी पहले भी कर चुकी हूँ इस शैम्पू से अपने हेड वॉश, तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, तभी मैंने आपको ये शेयर किया है। आप जरूर बनाइए, मुझे विश्वास है आप ये बार बार शैम्पू बनाएंगे। ये पसंद आया शैम्पू तो लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। केमिकल वाले शैम्पू से बच जाएंगे, कोशिश ये करेंगे कि माइल्ड सा शैम्पू घर में बना लेंगे।